दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी जो जानकारी आ रही है वो रिलायंस जियो की तरफ से ही आई है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में रिलायंस जियो की ओर से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो साल 2025 में अपने डिज्नी के साथ जो मर्ज है वो कंप्लीट करने जा रही है, जिसके बाद 108 चैनल्स का सबसे बड़ा ग्रुप आपका रिलायंस जियो का, वाइकोमेटिन का और डिज्नी का बन जाएगा, स्टार का बन जाएगा। इनके पास काफी देखे जाने वाले मोस्ट पॉपुलर चैनल्स हो जाएंगे, बुके हो जाएगा। स्पोर्ट्स 18 की बात करें, स्टार स्पोर्ट्स की बात करें, इसे भी एक ही का पार्ट बन जाएगा। जियो सिनेमा हो गया, डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो गया, ये भी एक ही हो जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है बात ये भी आ रही है कि जो पूरे नए ग्रुप बनने वाला है इसको जो है अनीता अंबानी जी मैनेज करने वाली है, और उन्होंने यहाँ पर एक और बड़ी अनाउंसमेंट भी कर दी है। और इन्होंने यहाँ पर साफ कह दिया है कि हम जो है आने वाले समय में कुल 8 ऐसे चैनलों को बंद करने वाले हैं जो नॉन स्पोर्ट्स कैटेगरी में शामिल है। नॉन स्पोर्ट्स कैटेगरी मतलब वो हो गई जिसके अंदर कोई भी स्पोर्ट्स का चैनल शामिल नहीं है, यानी स्पोर्ट्स के चैनलों को फिलहाल ये बंद नहीं करना चाहते। लेकिन इसके अलावा कुछ 8 ऐसे चैनल्स होंगे वो आपके लिए यहां पर बंद होते हुए दिखाई देने वाले हैं। अभी चैनल्स है कौन से, कौन कौन सी भाषा के हो सकते हैं, और ये जो है अगर बंद होंगे तो उनका क्या होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। चैनल पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में जो है आपको हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिले। तो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर साफ क्लियर कर दिया है कि 8 ऐसे नॉन स्पोर्ट्स कैटेगरी के चैनल हम जो है यहाँ से हटाने वाले हैं, बंद करने वाले हैं, या फिर उनको जो है हम सेल कर देंगे किसी दूसरे ब्रॉडकास्टर को। कुछ समय पहले भी जब जी और सोनी के बीच मर्ज की बातें चल रही थी तो उस समय भी जी ने भी अपने कुछ एग्जिस्टिंग चैनलों को बंद करने का फैसला किया था, और उन्होंने उन चैनलों को किसी दूसरे को खरीदने के लिए न्योता दिया था कि अगर कोई इंटरेस्टेड हो ब्रॉडकास्टर तो इन चैनलों को अपना बना सकता है, हमें इतने पैसे देके। अब वही सिस्टम जो है दोस्तों यहाँ पर आपके लिए रिलायंस और डिज्नी वाले भी अपनाने वाले हैं। कुछ 8 ऐसे चैनल चुनने वाले हैं आपके लिए जिनको ये बंद करेंगे अपने प्लेटफॉर्म से, और ये कहना चाहते हैं कि हमारा उन चैनलों से कोई लेना देना नहीं होगा, कोई इंटरेस्टेड है तो वो इन चैनलों को खरीद सकता है। इसके लिए नीलामी या बोली जो भी सिस्टम है इसके साथ होंगे, या बेचने के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी इनकी, वो ही अपनाने वाले हैं। अब उन 8 चैनलों को कोई ब्रॉडकास्टर खरीदता है या नहीं खरीदता है वो तो बाद की बात है, लेकिन ये 8 चैनल हो कौन से सकते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर नॉन स्पोर्ट्स कैटेगरी में ही बात करें तो इसके अंदर दोस्तों आपके वाइकोमेटिन के भी चैनल शामिल हो सकते हैं और डिज्नी स्टार के भी कुछ चैनल शामिल हो सकते हैं। अब इन्होंने कौन कौन से चैनलों को अपने दिमाग में या अपने बैकएंड में सोच के रखा हुआ है कि हमने इनको बंद करना है, वो अभी कुछ भी सामने जो है नहीं आया है। लेकिन चांसेस जो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों वो यही है कि कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों को ये बंद करेंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि स्टार के पास भी कन्नड़ा भाषा के लिए स्टार सुवर्णा है, तो वाइकोमेटिन के पास कलर्स कन्नड़ा है। इसी तरह से बंगाली कैटेगरी में बात करें तो उसमें स्टार वालों के पास स्टार झलसा है, तो दूसरी ओर वाइकोमेटिन के पास कलर्स बांग्ला है। ऐसे चैनलों को है बंद होते हुए दिखाई दे सकते हैं जिनकी टीआरपी अच्छी नहीं आती, जिनके लोगों की नजरों में रेटिंग अच्छी नहीं है, तो उन चैनलों को जो है टारगेट बैन लाया जा सकता है। अब वाइकोमेटिन अपने खुद के चैनलों में ज्यादातर टारगेट बनाएगा या स्टार वालों के, ये बाद में स्थिति पता चलेगी। वैसे बिंदास ऐसे चैनल अभी इनका चल रहा है म्यूजिक कैटेगरी में, उसको भी कभी भी बंद किया जा सकता है, ये भी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। और कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों को टारगेट किया जाएगा, जैसे तमिल के, कन्नड़ा के, बंगाली, मराठी के, और पंजाबी में कोई चैनल चलता ही नहीं है ना, तो वाइकोमेटिन का कोई चैनल है मेरे ख्याल से सिर्फ न्यूज 18 पंजाबी आता है, इसके अलावा स्टार की तरफ से तो कोई चैनल है ही नहीं। तो ऐसे जो चैनल है दोस्तों कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के, उनको यहाँ पर टारगेट में लाया जाएगा, 8 चैनलों को बंद किया जाएगा। अब आप अपनी सूची तैयार कर लो कि स्टार में और वाइकोमेटिन के अंदर 8 ऐसे कौन से चैनल होने चाहिए जिनको बंद कर दिया जाएगा तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में फटाफट से दीजिए, हम आपके कमेंट बॉक्स का बेसब्री से इंतजार करेंगे। और हो सकता है कि आप में से किसी के एक का जो कमेंट है उन्हीं में जो चैनल है वो शामिल हो जो इन्होंने सोच रखी है।